हेलो, मैं विचित्रा। वेलकम बैक टू माय किचन कुक विद विचित्रा। आज मैं आप लोगों के लिए आप सबका पसंदीदा मैगी लेके आई हूँ। ये छोटे बड़े सबको पसंद है। ये सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम का स्नैक्स दोनों है। आइए इस मैगी को इस तरह से बना के देखते हैं, थोड़ा नया स्टाइल में कैसा लगता है। मैंने पैन गरम हो चुका है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैं रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। इसमें मैंने ग्रीन चिली 5 डाल दिया है। अब मैं 2 ऑनियन चॉप्ड करके रखा है, इसको मैं डालूंगी। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद मैं जिंजर गार्लिक को मैंने चॉप्ड करके रखा है, उसको मैं डाल दूंगी। ये जिंजर गार्लिक मैंने चॉप करके रखा है, इसको थोड़ा सा मैं सॉटे कर लूंगी। अब मैं ये एक टमाटर बड़ा सा है मैंने चॉप्ड करके रखा है, अब मैं थोड़ा सा टोमेटो थोड़ा हो वो सॉटे हो जाएगा, उसके बाद मैं शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। इसमें कैप्सिकम 1 बड़ा साइज का मैंने लिया है। ये सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालना है। वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसका क्रंचीनेस फिर ख़त्म हो जाता है। ये मैंने ब्लैक पेपर डाला है, रेड चिली डाल दिया। अब मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूं। अब मैं इसमें 1/2 लीटर जैसे पानी डालूंगी क्योंकि 2 मैंने मैगी का पैकेट लिया है, जो 12 रुपीज़ का 2 पैकेट आता है बड़ा वाला, वही वाला मैंने लिया है। तो 1/2 लीटर इसलिए मैंने पानी ऐड किया है इसमें, क्योंकि मैगी पानी को सोक कर लेता है, इसीलिए मुझे सूखा सूखा ही बनाना है। अब मैं ये मैगी मसाला इसमें ये मैगी का बड़ा वाला पैकेट है, इसमें मैं 1 पैकेट डाल दिया। अब दूसरा भी मैं डालूंगी इसमें। मैंने 2 पैकेट मैगी मसाला इसी में डाल दिया। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए 10-15 मिनट्स इसको मैं बॉईल होने दूंगी। इस मैगी को मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एक वेज और एक नॉन वेज। ये मेरा मैगी बन गया है। इसमें मैं थोड़ा सा मलाई ऊपर से डाल दे रही हूँ, मलाई को फेंट के रखा था। और ये चिली फ्लेक्स है,
इसको मैं मिक्स कर दूंगी। मेरा मैगी का पूरा पानी सक कर लिया है। अब देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, देखिए कितना। ये बच्चे तो क्या, बड़े भी इससे बड़ा खुश हो जाते हैं। अब मैं एक अंडे का पतला सा मैं ऑमलेट टाइप का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको रोल करना है, इसीलिए मैं एकदम पतला, फाइन एकदम पतला बनाऊंगी। इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट खाली डाला है और कुछ नहीं डालना है। इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूंगी। अब मैं पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको पूरा फैला दूंगी इसमें, क्योंकि पतला होगा तो फिर मैं रोल कर पाऊंगी, इजी होगा रोल करना। मैगी तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, ऊपर से आप थोड़ा डेकोरेट करके देंगे तो और भी बच्चे दीवाने हो जाते हैं इसके। अब मेरा ये ऑमलेट तैयार हो गया, मैं इसको अब रोल कर लूंगी। मैंने रोल कर लिया है, अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लूंगी, कट करके रख दूंगी। जो एग नहीं खाते हैं उसके लिए मैं ये रेड वाले बाउल में उसके लिए मैंने पहले से उठा के रखा, और जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए मैं एग से इस तरह से, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिए वन टाइम, और आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिए घर में। देखिए कितना सुंदर, कितना लाजवाब लग रहा है। ये वेज है और ये नॉन वेज है। मैंने दोनों तरह से इसको आप इवनिंग स्नैक्स और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।